भगवान बुद्ध की 80 फीट विशाल प्रतिमा। यहाँ पर आने पर आपको बहुत ही शांति की अनुभूति होगी। सामने आप देखिए भारत माता, सोमनाथ मंदिर के तर्ज पर बना सोमनाथ मंदिर। सिर्फ गंदगी फैलाना लोगों का काम नहीं है, सफाई करना भी लोगों का काम है। शंकर की, शिव की बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा। सामने आप देख रहे हैं भगवान शिव की 110 फीट विशाल प्रतिमा। नमो बुधाय, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल भारत दर्शन ब्लॉग पर आज भगवान बुद्ध की जयंती के अवसर पर हमारे होम टाउन सासाराम में भव्य पायलट बाबा आश्रम यात्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों बुद्धा जयंती के अवसर पर अभी हम अपने होम टाउन आए हैं। पटना की यात्रा को बीच में पोस्टपोन करके हम पटना की यात्रा फिर से करेंगे, वहाँ का चिड़ियाघर आपको दिखाएंगे, पूरी यात्रा आपको दिखानी है। और दोस्तों सासाराम में बहुत ही शानदार पर्यटक स्थल यहाँ पर बना है, भगवान बुद्ध की विशाल 80 फीट प्रतिमा बनी है। चूँकि यहाँ पर जब भगवान बुद्ध यहाँ बोध गया से सारनाथ जा रहे थे तो यात्रा के दौरान सासाराम में रुके थे, विश्राम किए थे, उन्हीं चीज़ को मेमोराइज करने के लिए, याद करने के लिए यहाँ पर भगवान बुद्ध का मंदिर बना है। और भगवान बुद्ध के मंदिर के साथ साथ भगवान शिव की 110 फीट विशाल प्रतिमा भी है। गुजरात के सोमनाथ मंदिर के तर्ज पर यहाँ पर सोमनाथ मंदिर भी है। इसके साथ साथ अलग अलग देवी देवताओं को भी यहाँ पर स्थापित किया गया है, भारत माता भी यहाँ पर हैं। तो एक नेशनल टेम्पल के रूप में, राष्ट्रीय मंदिर के रूप में, सर्वधर्म धर्म संभाव के रूप में इस मंदिर को डेवलप किया गया है, स्थापित किया गया है पायलट बाबा के द्वारा। और चूंकि आज बुद्धा जयंती है तो भगवान बुद्ध का हमारे जीवन से गहरा नाता है। हमारे जीवन में जो कुछ भी प्योरिटी है, सत्य है, सदाचरण है, भगवान बुद्ध के कारण है। तो भगवान बुद्ध के मंदिर से हम अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे, पूरा पायलट बाबा आश्रम आपको दिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात आज की कि हम आपको पायलट बाबा आश्रम का ड्रोन व्यू भी दिखाएंगे। तो चलिए भव्य यात्रा शुरू करते हैं। दोस्तों आप सामने देख रहे हैं पायलट बाबा आश्रम में भगवान बुद्ध की 80 फीट विशाल प्रतिमा ध्यान की मुद्रा में। और अभी हम मंदिर परिसर में चलेंगे और भगवान बुद्ध का जन्म से लेकर महापरिनिर्वाण तक का पूरा चित्रांकन आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग आए हैं घूमने के लिए। भगवान बुद्ध के जीवन की पूरी कहानी को यहाँ पर दिखाया गया है कलाकृतियों के माध्यम से। और इस दृश्य को देखना बहुत ही सुखद अनुभूति देता है दोस्तों। ये भगवान बुद्ध के विवाह का दृश्य है, जब यशोधरा के साथ भगवान का पाणी ग्रहण संस्कार हो रहा है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं भगवान बुद्ध अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़ करके घर का त्याग कर रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर भगवान बुद्ध के कठोर तप को दिखाया गया है, पूरा इनका ढांचा बन कर रह गया था, पूरा शरीर सूख गया था साधना करते करते। और इधर आप देख रहे हैं भगवान बुद्ध के साधना के जीवन काल को दिखाया गया है, जहाँ पर सुजाता भगवान बुद्ध को खीर प्रस्तुत कर रहे हैं। और इसके बाद से भगवान मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुए साधना शुरू करते हैं। यहाँ पर साधना क्रम में बहुत सारे जो मार है, बहुत सारे जो विकार हैं, उनको आक्रांत करने का प्रयास करते हैं, पर वो हिम्मत न हारते हुए अपनी साधना को जारी रखते हैं। यहाँ पर सुंदरियाँ भी उनके साधना में खलल डालने का प्रयास करती हैं, पर अंततः और निर्वाण को उपलब्ध हो जाते हैं सभी विधि बाधाओं को पार करते हुए। भगवान बुद्ध के ध्यान के विभिन्न मुद्राओं को यहाँ पर दिखाया गया है, सामने आप देख रहे होंगे। और बिल्कुल सामने महायोगी पायलट बाबा, जिनके प्रयास से इतना भव्य मंदिर यहाँ पर बन करके तैयार हुआ है।
और बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं बोधि सत्व द्वार मेन मंदिर, जहाँ पर भगवान के दर्शन होते हैं, भगवान के विश्राम मुद्रा के भी दर्शन होते हैं। अभी हम बिल्कुल गर्भगृह में आ गए हैं और भगवान के दर्शन कर रहे हैं, भगवान आशीर्वाद की मुद्रा में हैं। और यहाँ पर आने पर आपको बहुत ही शांति की अनुभूति होगी, अद्भुत शांति। और गर्भगृह में भी भगवान की विभिन्न मुद्राओं को यहाँ पर दिखाया गया है। और बिल्कुल यहाँ पर देखिए भगवान बुद्ध विश्राम की मुद्रा में हैं। जब आप यहाँ पर बोधगया से चले थे तो सारनाथ में आते वक्त यहीं पर विश्राम किए थे, उसी अवस्था को यहाँ पर दिखाया गया है सासाराम में। सत्य प्रेम और शांति का प्रसार करने के लिए पूरी दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव का कार्यक्रम यहाँ पर शुरू हो चुका है, महायोगी पायलट बाबा के तत्वाधान में। अभी उस जगह पर आपको लेकर के चलेंगे और मंदिर परिसर के बाहर भी भगवान बुद्ध के जीवन की झांकियाँ दिखाई गई हैं। और यहीं पर भगवान बुद्ध के 80 फीट विशाल प्रतिमा के सामने चिड़ियाघर भी है, जहां पर आपको खरगोश मोर और बतख मिलेंगे। जो पहाड़ से लोग आए हैं छऊ नृत्य करने के लिए, उनसे गुजारिश है कृपया कर आप अति शीघ्र मंच पे प्रस्तुति देने के लिए तैयार हो जाएं। रविंदर जी दानिका म्यूजिकल, आप अपना इंस्ट्रूमेंट को रेडी कर लें। इसके बाद भरत शर्मा जी का कार्यक्रम होगा इसी मंच पे, ताकि सब कोई सिस्टम से आता जाए और कार्यक्रम होता जाए। और यहाँ पर अभी कार्यक्रम शुरू होने वाला है, भरत शर्मा जी आने वाले हैं। और कार्यक्रम है पहाड़ के लोग, अखिलेश जी आपका व्यवस्था है, आप उनको अति शीघ्र मंच पे लाने का कृपा करें। और यहाँ पर भगवान बुद्ध के अलावा भारत के ऋषि महर्षियों की भी मूर्तियाँ स्थापित की गई है, महापुरुषों की भी मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं, देवी देवताओं की भी की गई हैं। बहुत सुंदर दृश्य सामने आप देख रहे होंगे पायलट बाबा आश्रम की। और यहाँ ऋषि महर्षियों के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानियों की भी मूर्तियाँ लगाई गई हैं, संतों की भी मूर्तियाँ लगाई गई हैं। दोस्तों और बिल्कुल सामने आप देखिए भारत माता, ब्यूटीफुल, एक राष्ट्रीय मंदिर के रूप में डेवलप्ड पायलट बाबा आश्रम, सर्वधर्म संभाव के रूप में स्थापित ये पायलट बाबा आश्रम अद्भुत है, भव्य है। और बिल्कुल सामने देखिए पायलट बाबा आश्रम परिसर में ही गुजरात सोमनाथ मंदिर के तर्ज पर बना सोमनाथ मंदिर, द्वादश ज्योतिर्लिंग के भी यहाँ पर दर्शन होते हैं। दोस्तों बहुत सुंदर है, बहुत भव्य है। खंभों पर जो चित्रकारी आप देख रहे हैं बहुत सुंदर है, और इसमें अभी और काम बाकी है, जब पूरा हो जाएगा तो इसकी खूबसूरती देखते ही बनेगी। दोस्तों 95% काम हो चुका है, 5% काम अभी बचा हुआ है। ब्यूटीफुल। और यही सोमनाथ मंदिर के सामने ही बहुत खूबसूरत आर्टिफिशियल झरना भी है। और बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं सासाराम के सांसद छेदी पासवान जी आए हुए हैं यहाँ पायलट बाबा आश्रम परिसर में। तो सर ये बताइए कि इतना भव्य मंदिर बन करके तैयार हो चुका है यहाँ रोहतास जिला में, तो कितना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि शांति और अहिंसा जी और समृद्धि का एक जीता जागता पार्ट है। इतना बढ़िया चीज़ जो बना हुआ है, हम समझते हैं कि पुल हो, पुलिया हो, रोड हो, सड़क हो, रेलवे लाइन हो,
बिजली हो या एयरपोर्ट हो, इससे पता नहीं चलता है आदमी की स्थिति, आर्थिक स्थिति स्वतः सुधार हो जाता है। जी जी, उसी तरह ये मंदिर बनने से यहाँ के लोगों का आर्थिक सुधार बहुत तेज़ी से होगा, कारण कि बाहर से यात्री लोग आएंगे, रहेंगे, खाना खाएंगे, कुछ ना कुछ खरीदेंगे, तो इससे यहाँ का स्थानीय आय अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकता है। लेकिन सर, सासाराम में इसके अतिरिक्त जो डेवलपमेंट होना चाहिए अभी तक नहीं हो पाया है। नहीं, हो रहा है, ऐसा बात नहीं है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है पहले की तुलना में, ठीक है, होना चाहिए। जी जी, डेवलपमेंट तो अब अनवरत चीज है, चलते रहता है। जी जी, विकास लेकिन हुआ, साफ सफाई का जो मामला है अभी तक नहीं हो पा रहा है। नहीं, इसके पीछे जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, सभी लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे, तो अकेले सरकार क्या कर पाएगी भाई। जी जी, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, अपने अधिकार को समझना पड़ेगा, अधिकार के साथ साथ कर्तव्य को भी समझना पड़ेगा। सिर्फ गंदगी फैलाना लोगों का काम नहीं है, सफाई करना भी लोगों का काम है। तो स्थानीय लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे, तब तक इसमें कोई बहुत परिवर्तन नहीं हो सकता है। लेकिन इसमें सुधार हो रहा है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सर। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। और अभी पायलट बाबा आश्रम में शाम के समय आरती की तैयारी हो रही है, और बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं भगवान शंकर की, शिव की बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा। अच्छा, पायलट बाबा आश्रम में सोमनाथ मंदिर के बारे में बताइए। सोमनाथ मंदिर आप लोग सब देखे होंगे, सब भाइयों को सबसे पहले प्रणाम, और वीडियो के माध्यम से जो भी यहाँ पर देख रहे हैं, परम योगी पायलट बाबा धाम से मैं मेन पुजारी जी यहाँ से बोल रहा हूँ। आप लोग सब जानते हैं कि यहाँ पर सोमनाथ का मंदिर बना हुआ है, पहला सोमनाथ का मंदिर जो सौराष्ट्र में है, जो जूनागढ़ में है, लेकिन द्वितीय अगर सोमनाथ का मंदिर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर सोमनाथ का मंदिर बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सोमनाथ का जो शिवलिंग यहाँ पड़ा हुआ है, ये जो शिवलिंग जो है 3.5 फीट का शिवलिंग है, जो कि अद्वितीय, अद्भुत और अविचित्रीय शिवलिंग यहाँ पर, और शिव को दोनों को यहाँ, हाँ, दोनों का ये संगम ये हुआ है कि परम योगी पायलट बाबा का ध्यान था ऐसा कि बिहार के अंदर जो गया, बोध गया है, बोध गया में भगवान बुद्ध के वहाँ पर ज्ञान प्राप्त किए थे, और इधर यूपी में आप देखेंगे तो महादेव जी विश्वनाथ जी का मंदिर जो है, और बाबा का सोचे थे कि ये सहस्त्र बाहू का जो नगरी है सासाराम जो है, यहाँ पर दोनों के प्रतिमा स्थापित करते हैं तो संगम हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि यहाँ पर क्या था कि सबका समन्वय करना है, एक सनातन धर्म बनाना है, जिसके कारण से बौद्धिस्ट भी यहाँ पर आते हैं, और अपने जो शिव धर्म के हैं या वैष्णव धर्म के जो भी जितने भी संप्रदाय के लोग एकत्रित होते हैं, एक सनातन धर्म की ओर प्रेरणा देते हैं बाबा। और पायलट बाबा आश्रम में सोमनाथ मंदिर की यात्रा करने के बाद अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं भगवान शिव की 110 फीट विशाल प्रतिमा। अभी शाम के समय का जो नज़ारा है पायलट बाबा आश्रम का, बहुत सुंदर है, लाइटिंग्स में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। और दोस्तों, अब हम पायलट बाबा आश्रम परिसर से बाहर आ चुके हैं, सामने आप देख रहे हैं भव्य गेट पायलट बाबा आश्रम का, और बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं भगवान शिव की 110 फीट विशाल प्रतिमा, और नंदी की भी प्रतिमा है सामने आप देख रहे होंगे, बिल्कुल नज़दीक से आपको दिखाएँगे। और यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है शाम होते ही। नंदी बाबा का विशाल मूर्ति और भगवान शिव के बड़े बड़े पांव आप देख रहे होंगे, गजब। और शिव जी के बगल में भगवान श्री राम की भी मूर्ति, विशाल मूर्ति सामने आप देख रहे होंगे। और दूर से हम आपको दिखा रहे हैं पायलट बाबा आश्रम का दृश्य, भगवान बुद्ध की 110 फीट विशाल प्रतिमा। दोस्तों, आज हमने बुद्धा जयंती के अवसर पर सासाराम पायलट बाबा आश्रम आपको दिखाया, भगवान बुद्ध की 80 फीट विशाल प्रतिमा और भगवान शिव की 110 फीट विशाल प्रतिमा। मेरे पीछे आप देख भी रहे होंगे, यहाँ का सोमनाथ मंदिर आपको दिखाया, और इसके बाद हम पटना की यात्रा करेंगे, वहाँ का चिड़ियाघर आपको दिखाएंगे, पटना का एनर्जी पार्क और पटना का इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट आपको दिखाएंगे। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि हमारा पायलट बाबा आश्रम की यात्रा आपको कैसी लगी।